आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज है हमारे साथ जाति उन्मूलन अभियान के, मतलब जो आंदोलन है, एक्चुअली अभियान का कहने का मतलब नहीं है उसे, जाति उन्मूलन आंदोलन के जो अखिल भारतीय संयोजक हैं, केंद्रीय संगठक हैं, संजीव खुदशाह। मूल वैसे रायपुर से हैं लेकिन इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में ये बातचीत होगी कि नागपुर में इस समय 13 और 14 जनवरी को जो नागपुर का उत्तरी छोर है, जहां बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े सभागृह है, वहां दो दिन का एक अखिल भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है जाति उन्मूलन आंदोलन का। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये बातचीत आप तक पहुंचाने का ये प्रयास है। संजीव खुदशाह जी, आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए, विशेष में आपका स्वागत करते हैं। एक बात यहीं से शुरू करते हैं कि जाति उन्मूलन, लगभग इसका किताबी संदर्भ देखें तो आधुनिक समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मिलता है, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखते हैं। जाति उन्मूलन का संबंध हम लोग अगर पुरातन जोड़ने की कोशिश करें तो वो तथागत बुद्ध के साथ जुड़ जाता है, जहाँ जाति प्रथा को कोई स्थान नहीं मिला जिस व्यवस्था में, मौर्य काल में भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन आधुनिक प्रैक्टिस में इस समय जाति, ये जाति ही नहीं ऐसा माना जाता है। और आप इसके उन्मूलन में लगे हैं, क्या प्रोग्रामिंग बनाया है? सबसे पहले थैंक यू और नमस्कार आप सभी को। ये आपने जो प्रश्न उठाया है बहुत ही वाजिब प्रश्न है, और ये भी बात सही है कि जाति के उन्मूलन का प्रयास इससे पहले भी होता रहा है, चाहे चारवाक का आप विवरण देख लें, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर आप या फिर हम लोग जो संत काल जो हमारा मध्य युग रहा है उसमें भी प्रयास है, चोट होती रही है और किया गया है। दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर की किताब जाति का उच्छेद इस मामले में बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर उनकी किताब और उस समय जो उन्होंने प्रयास किया अगर उसको छोड़ दिया जाए तो एक प्रकार से जाति के उन्मूलन के मामले में अब तक शून्यकाल जैसा ही स्थिति रही क्योंकि जाति का उन्मूलन का मतलब है समानता लाना, और डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब का मुख्य लक्ष्य था कि भारत में किस प्रकार से समानता आए, क्योंकि जाति सिर्फ जाति नहीं है, वो जाति अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाती है, भेदभाव लाती है, शोषण लाती है, दुश्मनी लाती है, दोस्ती लाती है, और तमाम प्रकार के जो शोषण है वो कहीं ना कहीं जातियों से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर हमको बहुत ही मजबूती के साथ इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कब से इस जाति उन्मूलन आंदोलन की आपने शुरुआत की है और आप इस मुद्दे के साथ आगे बढ़े हैं? ये करीब 6 साल हो रहा, 6 से 7 साल हो रहा है। क्या 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 अनुभव रहा आपका इन 6 सालों में, क्या प्रोग्रामिंग चलाया आपने कि जिसका कुछ पॉजिटिव आपके पास आया है? जी, पहले तो ये है कि जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की तो बहुत सारे लोग तो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई ये ऐसा भी काम किया जा सकता है, नहीं टूटेगी जाति। तो हम लोगों ने कहा नहीं टूटेगी ये बात अलग है, लेकिन हम अपना प्रयास करेंगे। और इसके मकसद से हम लोगों के पास गए और उनको अपनी बातों को उनके सामने रखा, और हमने ये कहा कि भाई ये एजेंडा डॉक्टर अंबेडकर का ही नहीं है, ये तमाम वे लोग जो जाति को एक कोड़ की तरह मानते हैं वो सबका ये एजेंडा है, चाहे वो ऊंची जाति के हों चाहे वो नीची जाति के भी हों। और उनको ये हमने कन्विंस करने की कोशिश की कि जो जाति के मेन स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं, वो उसको तोड़ना ज़रूरी है। उसको तोड़ने के बाद ही जाति खत्म होगी, और जाति खत्म होने के बाद में ये भारत वास्तव में एक प्रबुद्ध भारत बन सकेगा। आप तो स्वयं भी लेखक हैं, चिंतक हैं, पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई है, क्या आपने जाति उन्मूलन से जुड़ा हुआ कोई साहित्य भी लिखा, क्या वो लोगों तक लेकर गए? जाति उन्मूलन के ऊपर मेरा साहित्य है लेकिन किताबों के शेप में नहीं है, मेरे अच्छा, किताबों के शेप में नहीं है। अच्छा। उसमें करीब 8-9 आर्टिकल मैंने जाति उन्मूलन के ऊपर लिखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग की मैगजीन भी आती है जाति उन्मूलन नाम की, और वो एक प्रकार से अभी 8-9 उसके अंक निकल चुके हैं, तो उसमें मैं लिखता रहा हूँ। और वैसे भी सोशल मीडिया में भी आप वो लेख
मेरे जो ब्लॉग्स वगैरह हैं उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए खुदशाह जी, जैसे आपने कहा कि आप उन लोगों से मिले, लोगों से आपने बातचीत की, लोगों को समझाया, क्या आपको लगता है कि लोगों से बातचीत करने से, लोगों से समझाने से जाति प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा, या फिर उसका कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम लेकर निकलना होगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, लोगों को समझाना है तो समझाने के पहले आपके पास कॉन्क्रीट कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। आपने और कुछ डिज़ाइन किया? बिल्कुल, हमारा डिज़ाइन है। हम लोग पहली बात तो ये है कि ये एक संगठन है, जन संगठन है एक प्रकार से जी। इसमें हम लोग हर 3 साल में इसका एक नेशनल सेमिनार हम लोग करते हैं, 2-3 साल में, और उसमें जितने बुद्धिजीवी आते हैं और जाति उन्मूलन के जो और तमाम 15 राज्यों में इसकी यूनिट है जाति उन्मूलन की, तो उन लोगों को बुलाते हैं, और जिस जगह में होता वहाँ के आम जनता भी उसमें आमंत्रित रहती है, और बैठ करके हम लोग ये तय करते हैं कि किस प्रकार से जाति उन्मूलन का कार्यक्रम तैयार किया गया जाए। आपने कैसा डिजाइन किया? एक एजेंडा भी है जिसको मैं रखा हुआ हूँ अपने हाथ में। तो उसमें जो बेसिक जो जाति का जो उन्मूलन करने का जो है, उसकी जो स्तंभ हैं जाति के उन्मूलन करने के लिए, है ना, जिस पे जातियाँ खड़ी हैं वो स्तंभ है, जिसको बाबा साहब ने भी अपनी किताबों में उसका विवरण दिया हुआ है, तो हम लोग उसको तोड़ने की बात करते हैं। जैसे अंधविश्वास है जी, है ना, महिलाओं के ऊपर जो दबाव करने की प्रवृत्ति है ना, और तीसरा है संपत्ति पर अधिकार, और चौथा है रक्त की शुद्धता। ये 4 स्तंभ हैं जिन पर जातियाँ टिकी हुई हैं, और ये कानून को अपने पैरों तले रौंद रही है। मैं आपको एक, जैसे आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास ये जातियों की प्रथा को मजबूत बनाता जी, है जी। तो अंधविश्वास कैसे बनाता है? हाँ, अंधविश्वास ऐसे है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, जाति प्रथा ये बोलती है, तो ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास। अच्छा, ये जो धारणा है ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। प्लस जाति, जैसे कि जन्म से ना तो कोई ऊंचा होता है ना ऊंचा होता है, आदमी होता है। लेकिन तो उसको वैसा हमारी सामाजिक परिवेश में नहीं स्वीकारा जा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसको मानना ही एक प्रकार से बहुत बड़ा अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। प्लस और भी बहुत बारीक छोटे छोटे अंधविश्वास हैं जो कि जातियों के कल्चर में रूढ़ियों के समान व्याप्त हैं, तमाम जातियों के बीच में छोटे छोटे कल्चर हैं। अच्छा, ये संपत्ति का जो अधिकार है जी, ये कैसे कहा आपने कि ये जातियों की प्रथा को मजबूत बनाता है? जाति के बनाने का जो मेन मकसद है वो संपत्तियों पे अधिकार का है। अच्छा, इसमें जो मैंने रक्त की शुद्धता की बात करी, तो जब कबीलाई जब हमारा समाज था उस समय जातियाँ नहीं थी, लेकिन जब समाज कहीं पर बसना चालू हुआ और उसका एक अपना पक्का घर हो गया, उसके कुछ ज़मीन हो गए जिस पे वो खेती बाड़ी करना चालू किया, तो तब उसको ये लगा कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, इन संपत्तियों का क्या होगा जिसको मैंने खड़ा किया मेहनत करके। तो वो परिवार का एक कल्चर आया जात, और उसमें पत्नी का आया स्वरूप, और तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उस अधिकार को अपने ही बच्चों को देने के लिए वंशवाद आया है ना, इस प्रकार से वो जातियों का रूप लिया। बाद में यही एक जटिल जाति प्रथा का निर्माण हुआ, जिसमें ये जो 4 स्तंभ जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ही शिद्दत के साथ उस पर विश्वास किया जाता है, तभी जाति प्रथा जीवित। लेकिन वंशवाद का जाति प्रथा से आप जो संबंध बना रहे हैं वो कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से इस बात को बताता हूँ कि जाति प्रथा को कायम रखने का क्यों जरूरत पड़ी, उसका कोई रीज़न होगा। तो उसका रीज़न ये है कि महिलाओं पे दबाव हो, मतलब ये है कि महिला जो है मेरे ही समाज मेरे ही जाति के बीच में ही शादी हो उसकी, है ना, ताकि जो संपत्ति का अधिकार हो वो मेरे ही ब्लड रिलेशन के बीच में उसका अधिकार बना रहे, है ना। दूसरा कि अगर ब्राह्मण और दलित के बीच में शादी होती है तो ये विचारधारा है जिसको मैं अंधविश्वास कहता हूँ कि रक्त की शुद्धता खत्म हो जाएगी। जाति को रखने का बहुत बड़ा मकसद है कि हमारा रक्त शुद्ध रहे, हम जैसे हैं
बच्चे मतलब अपने रक्तवंश से बाहर अगर ये अगर होता है तो शायद जाति प्रति यहाँ प्रथा टूट जाएगी, कमजोर पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। क्या आपने ऐसे आपके प्रोग्रामिंग में इसको डिजाइन किया है? इसको डिजाइन किए हुए हैं। तो क्या प्रोग्राम चलाते हैं आप पूरे 6 साल में? हम लोग क्या क्या सकारात्मक रिजल्ट आया इसका? हम लोग इसके लिए अवेयर करते हैं लोगों को, और जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। अच्छा। और सोशल बायकॉट पे हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है कि जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए सोशल बायकॉट का बहुत ही निर्दयता से उपयोग किया जा रहा है इस आधुनिक समाज में, एक दुर्भाग्य है। और जो लोग जाति से तोड़ करके रस्मों को और उन बेदर्द रूढ़ियों को तोड़ करके वो कुछ अलग सा काम करते हैं, उनको जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने जाति बहिष्कार के ऊपर भी मुहिम बनाए रखा हुआ है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जाति बहिष्कार के ऊपर कानून का एक यहाँ पे लागू किया गया है, उस प्रकार हम लोग और भी स्टेट में इस पर मुहिम चला रहे हैं कि ऐसा ही कानून जो जाति बहिष्कार के लिए छत्तीसगढ़ समेत हम यूपी में भी ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कानून यहाँ पे आ जाए। क्या इस कानून से कुछ प्रभाव देखते हैं आप? मतलब आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, क्योंकि आप तो लोगों के बीच जाते होंगे, इसका कितना परिणाम आ रहा है आप देखते होंगे? इस कानून के आने के जहाँ पे महाराष्ट्र में आया है तो यहाँ पे तो इसके पॉजिटिव खबर है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में इस कानून का एक ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने निकाला, उसके बाद में ये देखने में आया कि दलित जातियाँ, ओबीसी की जातियाँ और यहाँ तक कि ब्राह्मण जातियाँ के संगठन भी इस प्रस्तावित कानून का विरोध कर रहे हैं। उसके लिखित में सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास में हैं, और करीब 200 के आसपास जो समाज से बहिष्कृत लोग जो पीड़ित हैं उनका भी रिकॉर्ड मेरे पास में है। ये जो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं इस कानून का, कि ये ड्राफ्ट ना हो, ये कानून ना बने, इसकी कोई वजह खास? इसका ये लोग अलग अलग वजह देते हैं, लेकिन मैं इसको 4-5 वजह इनका मैं सब पूरा कंक्लूड करके निकाल पाया कि पहला तो ये है, ये बोलते हैं कि जाति प्रथा छिन भिन हो जाएगी, दूसरा बोलते हैं कि हमारा समाज टूट जाएगा, है ना, तीसरा बोलते हैं कि समाज जो है और समाज पे हमारा जो राज है वो खत्म हो जाएगा, पुलिस का राज चालू हो जाएगा, ऐसे अच्छा, तीन मतलब चार नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो दरअसल सामाजिक बहिष्कार, अच्छा ये नियंत्रण आप किन किन वर्गों का देखते हैं, मतलब वो कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से समूह हैं जो इस पर नियंत्रण करते हैं? जाति की पंचायतें जो हैं वो पूरी तरीके से अपना राज चला रही हैं, और पंचायत में वही लोग रहते हैं जो दबंग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, और जो पूरे मुद्दों को और राजनीति से जोड़ करके वो अपना लाभ उठाते हैं वो लोग इस का जातीय पंचायत का उपयोग करते हैं। आप देखिए जाति बहिष्कार का जो लोग विरोध करते हैं या जिन लोग जाति बहिष्कार करते हैं वे लोग कभी भी किसी अपराधी को बहिष्कृत नहीं करते, किसी बलात्कारी को बहिष्कृत नहीं करते हैं। बहिष्कृत कौन होता है? वही व्यक्ति होता है जो जाति समाज का सबसे कमजोर प्राणी है, जिनके पास गरीबी है, अगर उसकी बेटी इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है तो उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगर कोई बीमारी किसी को लग गई, मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं कि एक सिकल सेल बीमारी हो गई किसी को, उसको जाति से बहिष्कार कर दिया, किसी को एड्स हो गया जाति से बहिष्कार कर दिया, जबकि उस समय समाज की ज़रूरत होती है कि वो उसको मदद करे। अगर सामाजिक मतलब पंचायत उनकी, तो उनकी जाति के लोग उनको बहिष्कृत करते हैं? बिल्कुल, जाति के लोग पूरी सोसाइटी नहीं, जाति के लोग बहिष्कृत करते हैं, अपन जाति की पंचायत की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। ये लोग बहिष्कृत करते हैं, खाप पंचायत के नाम से तो पूरे भारत में हरियाणा के क्षेत्र के लोग बदनाम है, लेकिन खाप पंचायत जैसी ही जाति पंचायत ये पूरे भारत में कहीं ना कहीं काम कर रही है, और ये कानून को अपने पैरों तले रौंद रही है। ये छत्तीसगढ़ की एक घटना है, क्योंकि विवाद से बचने के लिए मैं नाम और गांव स्पष्ट नहीं करूँ। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ये छत्तीसगढ़ की एक घटना है, क्योंकि विवाद से बचने के लिए मैं नाम और गांव स्पष्ट नहीं करूँगा। एक 16 साल की लड़की का रेप हुआ, उसी समाज के एक 40 साल के व्यक्ति ने किया, और उसके बाद वो उसके माँ बाप कोर्ट जाने लगे, तो वहाँ पे पंचायत बैठी और पंचायत ने 2 दिन मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया कि आप इस बच्ची को सौंप दो उनकी पत्नी के रूप में, और नहीं तो फिर हम आपको दंडित कर देंगे।
उसके माँ बाप के ऊपर दबाव बना गया, नहीं तो हम आपको समाज से बहिष्कार कर देंगे। आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति को 7 साल की सजा होनी थी, वो व्यक्ति को पुरस्कार स्वरूप उस पीड़िता को सौंप दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कानून को बिल्कुल रौंदा जा रहा है जातीय पंचायत की ओर से, और वो निश्चित रूप से ख़त्म होना चाहिए। और गवर्नमेंट जहाँ भी सामाजिक बहिष्कार के लिए ड्राफ्ट बना रही है, हम बिल्कुल उनका अभिनंदन करते हैं। अच्छा, और हर संभव उनको मदद भी करेंगे। ये जो आपका ये अखिल भारतीय सम्मेलन जो नागपुर में होने जा रहा है जाति उन्मूलन आंदोलन का, तो इस सम्मेलन का क्या एजेंडा बनाया हुआ है, कौन लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, क्या इसमें सिर्फ महाराष्ट्र से लोग हैं या फिर और भी जगह से लोग आ रहे हैं, क्योंकि सम्मेलन का नाम जो है वो अखिल भारतीय सम्मेलन है। इसमें जो कन्फर्मेशन मिला है 15 राज्यों से साथी आ रहे हैं, 15 राज्य से आ रहे हैं। ये राज्य क्या साउथ से भी है? ये राज्य साउथ से आंध्र प्रदेश और कर्नाटका केरल से आ रहे हैं साथी लोग। अच्छा, है ना, और उड़ीसा से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से और छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से साथी लोग आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं। इस सम्मेलन में क्या सोचा है आपने कि किन मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे और क्या इसका कार्य योजना बनेगी, क्योंकि जाति उन्मूलन मतलब ये किसी कार्य योजना का हिस्सा लगता है। जी जी, जाति उन्मूलन ही हम लोग की कार्य योजना है, और इसको कैसे और अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से हम लोगों के बीच में जा सकें और उनको प्रेरित कर सकें, हम इन्हीं मुद्दों पे इस पे बातचीत करेंगे। उसके बाद जो है पहला जो सेशन है वो इसी पे ही होगा, सेकेंड सेशन में हम लोग अपने संगठन का पुनर्गठन भी करेंगे केंद्रीय संगठन का, और दूसरे दिन एक रैली का और आम सभा का कार्यक्रम होगा नागपुर में। रैली आम सभा भी वहीं पर होगी, ये बैरिस्टर राजा भाव खोबरागढ़ी सभागृह में। आम सभा वहीं से पास होगी, वो यहाँ के लोकल साथी उसको सब तय किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो उसका मैं ये जो आपका 2 दिन का ये जो कन्वेंशन होगा जी, क्या इसमें जो 15 राज्यों के आपके संगठन से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं जी वो ही सम्मिलित होंगे या फिर आम पब्लिक भी इसका हिस्सा बनेगी? इसमें जो है ये पूरे नागपुर में इसके पॉम्पलेट्स और बैनर लगाए गए हैं, निश्चित तौर पर सभी आम लोगों के लिए है ये कार्यक्रम। अन्य राज्य से आम जनता भी आना चाहे तो वो भी आ रहे हैं, और संगठन के भी लोग आ रहे हैं। अच्छा। साथ में ये जाति उन्मूलन का जो संगठन है ये कई संगठनों का भी संगठन है, इसमें बहुत सारे और भी संगठन जो है वो जुड़ करके, और बहुत सारे व्यक्ति जैसे कि दलित मूवमेंट एसोसिएशन है इसी में, इसमें नागरिक संघर्ष समिति वाले भी हैं इसमें, तो और कसम माने क्रांतिकारी संगठन भी हैं, तो वो सब मिलकर के करते हैं इसको, तो वो सभी आएंगे उसमें। इसमें क्या कुछ डिग्निटरीज भी हो गए, मतलब कोई सम्माननीय जो अतिथि होते हैं जो इसमें किसी सेशन को संबोधित करेंगे? जी, इसमें जो है अपना ब्रिज बिहारी जी, डॉक्टर ब्रिज बिहारी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं जी जी, जो कि काफ़ी काम कर रहे हैं, और प्रवीण नाटकर जी बम्बई से आ रहे हैं। अच्छा। वो भी इस पे जाति के उन्मूलन पर, एमपी से आ रहे हैं हमारे साथी समरसेन जी। अच्छा। ऐसे वो सब साथी मतलब जो अपने अपने क्षेत्र में पहले ही भेदभाव के ऊपर काम कर चुके हैं वो अपने विचार। क्या ये पूरा कन्वेंशन जो है ये दिन भर चलेगा, दोनों दिन? ये दिन भर चलेगा, दोनों दिन चलेगा, दिन भर मतलब सुबह से शाम तक या रात तक, देर रात तक? ये सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से जी। दोनों दिन इस मुद्दे पर चर्चा होगी बिल्कुल, और कोई कार्य योजना बनेगी, कार्य योजना बनेगी पूरे साल में कोई क्या करना है, और दूसरा जाति उन्मूलन पर क्या प्रोग्रामिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए वो भी होगा। साथ में अभी तक इन 5-15 राज्यों में जो कमेटी बनी हुई है उन कमेटियों ने क्या क्या काम किया उसकी भी रिपोर्टिंग होगी, और पूरे देश में क्या क्या काम किया गया है इस कमेटी के द्वारा वो सारी भी रिपोर्टिंग होगी, जिसको हम लोग उसको रिलीज भी करेंगे। अच्छा, वहीं पर उसको रिलीज भी करेंगे और एक मैगजीन भी आ रही है माने नया इशू, उसको भी हम लोग रिलीज करेंगे। खुदशाह जी, ये वक्त हमारा यहाँ पर जा रहा है, अगर हम इस चर्चा को समेटना चाहेंगे तो आप अंत में क्या कहेंगे? अंत में यही कहूँगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, अगर उस सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक बनाने का
आविष्कार हुआ है तो उसमें से एक भी आविष्कार भारत में नहीं हुआ है। कारण यह है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आविष्कार करके अपने आप को गौरवान्वित नहीं करता है, वो अपने आप को अपनी जाति से गौरवान्वित करता है। यहाँ का कोई भी विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय नहीं है। उसका कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास से घिरे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जाति का उन्मूलन करना पड़ेगा, और जाति के उन्मूलन किए बिना, भारत में समता लाए बिना भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाया जा सकता। जाति उन्मूलन किए बिना भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाया जा सकता, ये बात कह रहे हैं संजीव खुदशाह जी, जो कि केंद्रीय संगठक हैं जाति उन्मूलन आंदोलन के। ये जो केंद्रीय संगठक हैं और एक जाने माने लेखक भी हैं और चिंतक भी हैं और इन सब मुद्दों पर पूरे देश में काम करते हैं। वैसे मूल छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन ये बातचीत हमें यहाँ पर रोकना होगा। खुशहा जी, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिएगा आपका भी के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।